नरेंद्र कुशवाहा जी के आदेश अनुसार में उरई से यहाँ बुंदेलखंड की पावन भूमि भिजना में उपस्थित हुए हैं और यहाँ देखा गया कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार से रूबरू होंगे हम। कुछ कलाकार यहाँ भी आए हैं और इस मिट्टी में इस धरती पर यहाँ के बहुत विद्वान एक कलाकार थे जिन्होंने पखावत से अपना विश्व में नाम अपना किया है। मुझे मालूम नहीं था लेकिन जानते थे उनका इतिहास, तो बड़े सौभाग्य से तरु बिटिया के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी लोग आए हैं उसको आशीर्वाद देने रूपी। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, सभी कलाकारों के बीच में बैठ करके कुछ सीख रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ। तो लीजिए, कभी होता है कि बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम है, जिस प्रकार समय बदलता जाएगा कलाकार आते जाएंगे शायद आज आनंद आएगा। मैं उद्देश्य है कि जो विटिया तनु है उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर सभी कलाकार मिलकर उसे आशीर्वाद देंगे। तो कोई शुभ कार्य किया जाता तो अपने इष्ट देव आराध्य की आराधना और वंदना करते हैं, उसी वंदना के क्रम में एक बुंदेली रचना के माध्यम से आप लोगों के सामने गीत पेश कर रहा हूं। धन्यवाद। सामने देखो, सामने सामने देखो, सामने हम क्या जुड़े सामने देखो, सामने मौका है जो आगे देखो आज के लिए रिकॉर्डिंग करता है और भगवान के चरणों में चल रहे हैं। हेलो, हाँ बताओ सामान वाम लगा है करके
लिया जाता मैं नरेंद्र सिंह कुशवाहा, उन्होंने शायरी भेजी है सावन का होता पूनम समुद्र में फेंका, नहीं सावन का खोका समुद्र में फेंका और पूनम जैसी लड़की को पहली बार देखा। भैया जोरदार ताली बजा दो एक बार। दूसरी शायरी भेजी है, वादा करके निभाने वाले कम होते हैं, वादा करके निभाने वाले कम होते हैं, मोहब्बत का करना मोहब्बत में कम ही कम होते हैं। भैया हार्दिक धन्यवाद उनके लिए। मोबाइल को फैशन हर जगह चल रहा और अति 100 मोबाइल पहले जो चल तो की पेट मारो, आज तो वो बच्चा भी नहीं होने चाहा। तनक से बच्चा को 8 साल को हुई है तो देखियो बार 5 ही साल को हुई है तो वो लग जाए गेम खेल वे क्यों कछु इतनो आजकल के बूढ़े बुढ़ाते आदमी नहीं जानते इतनो फास्ट मोबाइल। तो हमने जैसे ही वो मोबाइल लाओ नौ मोबाइल लाओ घर लेके आए सो इनकी लार चुचा गई मोबाइल के। सो जे भी कह लगी का कह रही सुनो आप टच वालों तो हमने बताओ हो तो वो की पे सो लेके नाली में फेंक दो वो नहीं चाहना कि हमें टच मारो। आजकल टच ही ज्यादा चल रहा है। हाँ चौबीस घंटा लगी रहे भैया नुगैया एकदम नुगैया चौबीस घंटे संजा का नुगैया सुनी रहे नुगैया रात में नुगैया जग नहीं लेते मैं कर तो वो नुगैया तो चलता ही है। हाँ ऐसे ऐसे मोबाइल चल गए तो देखो जैसे ही हम वो मोबाइल अपनो चला रहे तो देखो जी हाल ही ऐसी पाओ में आए तो सामने हो का कह रही हमसे सुनो आप लोकगीत के बारे में दिल मारो पिया मोबाइल ए बदवाओ तो हद हो तो मैं Thank you.
सभी कलाकार मंच में आ जाए, अपने अपने साथ सजाए, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। हेलो भैया राजा राम कुशवाहा जी, जहां कहीं भी हो मंच पर आने का कष्ट करें। और भैया अनिल विश्वकर्मा जी, जो कि काफी दूर से चलकर आए हैं, हमारे भैया बहुत अच्छी नगड़िया वादक है अनिल भैया जी, जो कि जिखन गांव से है, थोड़ा मंच पर आने का कष्ट करें। और हमारे सम्मानीय श्री रविंद्र आचार्य सरल जी, जो कि बहुत दूर से चलकर आए हैं और आज अपने ग्राम बिजना की पावन भूमि पर वो अपना आकर यहाँ अपने मंच पर अपना एक छोटा सा कोई भी गीत लेके अपना प्रदर्शन दिखाएं। सर जी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा जल्दी से प्रोग्राम स्टार्ट करें। Thank you.